हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। मैं हूँ रश्मि, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। बिग बॉस 12 में आज जो शिवाशीष के साथ हुआ, यानी कि वो कितना सही था और कितना गलत था। अगर बातें करें हम रूल तोड़ने की, तो जिस तरह से सुरभि बार बार बातें कर रही थी, आज के एपिसोड की बातें कर लो, तो जब बिग बॉस ने जब वो बार बार इंग्लिश इंग्लिश बोल रही थी और बिग बॉस ने खुद ही बोला कि घर में सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाए, और सुरभि का कहना था मैं बोलूंगी इंग्लिश, जिसको जो करना करो, चैलेंज देती हूँ मैं, मुझे घर से बाहर निकाल कर भेजो। और उसके बाद बिग बॉस ने भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने घर में गंदगी फैलाई, उसने घर के रूल तोड़े, उसने बहुत सारी गालियां दी और बार बार इंग्लिश में बातें कर रही थी, फिर भी बिग बॉस ने कोई सजा नहीं दी। अब हम कल के एपिसोड की अगर हम बातें करें, तो उस टाइम पे भी जब सुरभि राणा बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उस टाइम पे वो माइक नहीं पहनी थी, और बिग बॉस ने अनाउंस किया कि सुरभि राणा आप अपने माइक को पहन लें, और सुरभि राणा ने बोला मैं नहीं पहनूंगी, बिग बॉस आपको जो करना है कीजिए, आपको जो सजा देना है, आपसे बर्तन धुलवाना है, आपको जो करना है मुझे कीजिए। तब फिर भी बिग बॉस चुप हो गए। और आज शिवाशीष, जिनको ऑलरेडी वो जिन्होंने जेल जाने से मना किया, जिस वजह से उनकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे घर वालों को सजा भी मिली, उनको भी सजा मिली, वो भी नॉमिनेट हो गए, उसके बावजूद शिवाशीष को बाहर निकाल देना किस हद तक सही है। और अगर हम बात ना करें सुरभि और शिवाशीष की, तो भी घर में काफी सारे लोग हैं जो बार 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 रूल तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे इस शो का बहुत रिस्पेक्ट है, मुझे इस शो में रहना है। तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस को जो ये डिसीजन है, ये किसी और के लिए भी लेना चाहिए था या फिर बहुत पहले लेना चाहिए था? जो शिवाशीष के साथ हुआ वो किस हद तक सही था और कितना सही था? यानी कि शिवाशीष ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करता बिग बॉस की, अगर इस बात को माना जाए, इस बात को भी माना जाए कि बार बार समझाने के बाद भी शिवाशीष जेल नहीं गए, लेकिन क्या बाकी के लोग कुछ नहीं करते हैं? तो सिर्फ शिवाशीष को ही ये सजा क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, सिर्फ इतना ही बोला कि जेल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे बाकी के सारे लोग गालियां निकालते रहते हैं, कितनी गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि शिवाशीष के साथ सही हुआ या फिर गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।